जहां एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं पर नकेल कसते नजर आ रहे हैं, वहीं रायसेन में खनिज विभाग के अधिकारी उनके सपने को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला रायसेन से महज 16 किलोमीटर दूर गांव खरबई का है, जहां मिट्टी खोदकर पुराई कर शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। वही खनिज विभाग मामले पर लीपापोती करता नजर आ रहा है। हमेशा विवादों में रहने वाला रायसेन का खनिज विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण है, रायसेन से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर खरबई में भोपाल सागर महज से 100 फीट की दूरी पर राइस फूड फैक्ट्री में अवैध रूप से ग्राम पंचायत सुलपुरी के ग्राम हिरण खेड़े से उत्खनन एवं परिवहन कर पुराई करने का मामला सामने आया है, जहां बिना अनुमति और रॉयल्टी चोरी कर इस फैक्ट्री में मिट्टी मुरहम को डाला जा रहा है। वही जिम्मेदार खनिज अधिकारी माफियाओं पर कार्रवाई करने के बजाय इस मामले पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। हालांकि रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के संज्ञान में मामला आते ही खनिज विभाग के अधिकारी अब कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। हेलो, किधर आए थे? सर, हिरण खेड़े में अवैध रूप से खुदाई करके प्राइवेट फैक्ट्री में मिट्टी डाली जा रही है। अब आपकी जानकारी में बात लाई गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, एक तो मेरी ये जानकारी में नहीं है क्या है क्या नहीं है, उस जगह कोई टेम्परेली स्वीकृत है या नहीं है, ये भी मेरी जानकारी में नहीं है। परंतु यदि आप कह रहे हैं कि वहाँ कोई खुदाई कराई जा रही है, तो मैं अपना जो मेरा माइनिंग का दल है उससे मैं उसकी जांच करा दूँ। अब देखना होगा कि क्या खनिज विभाग अवैध रूप से खुदाई करने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही करके लाखों रुपए की वसूली करेगा, या फिर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। रायसेन से कलीम खान की रिपोर्ट।